वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में मैंने डैमेज प्रॉक के ऊपर वीडियो बनाया। तो डैमेज प्रॉक का मीनिंग क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसको किस कैरेक्टर को देना चाहिए, मैं बोल चुका हूँ। तो वो वीडियो जाकर देख लो, इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टायर थ्री का कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर टीयर थ्री के साथ साथ जो है बेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी हम लोग देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट है टीयर थ्री को लेकर। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यहाँ पे 13 कैरेक्टर है जो टीयर थ्री के साथ आए हुए हैं। तो इन पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट है। कुछ पेवॉल कैरेक्टर है और कुछ के एपिक कास्ट से लटके पड़े हैं, तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले आते हैं थॉर पे। थॉर का यहाँ पर टीयर थ्री के स्किल्स की बात करूँ तो यहाँ पे इसके पास कुछ खास है नहीं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन अगर इसके अंदर और कुछ ऐड कर दिया जाए, जैसे कि इनविजिबल तो है लेकिन रिकवरी ऐड कर दिया जाए एंड गेम में, जब इसका अपडेट आ गया, सूट का अपग्रेड आ गया, तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके अंदर रिकवरी चाहिए प्लस एवरी स्किल में जब भी ये अटैक करेगा, एनिमी हो गया, कोई भी अपोनेंट होगा, उसको शॉक डैमेज लगेगा ही लगेगा 100%। हर स्किल्स में शॉक डैमेज चाहिए और एनर्जी अटैक तो डिफ़ॉल्ट में है ही, लेकिन और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 15% डिक्रेस लाइटनिंग रेसिस्ट 45% 10 सेकंड्स के लिए, उसके बाद में डील 70% शॉक एवरी डैमेज 1 सेकंड के लिए। तो इसका भी परसेंट जो है, जो नंबर्स है, ये भी बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद में सेल्फ जो है इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 80% का है 4 सेकंड के लिए, और इनविजिबल 5 सेकंड के लिए। उसके बाद में 80% चांस टू बैरियर सुपर आर्मर शील्ड ऑल इम्यूनिटी टू डैमेज, उसके बाद में इनविजिबल इफेक्ट 4 सेकंड के लिए। ये जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, नहीं ठीक ठाक है, लेकिन और जो एनर्जी अटैक है ये भी बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो थॉर का जो टीयर थ्री है वो इतना भी बेकार नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, अगर देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है, कोई बेकार नहीं है। डैमेज प्रॉक के साथ तो और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा टीयर थ्री मुझे नाराज़ करता है। उसके बाद में स्पाइडरमैन के टीयर थ्री की बात करूँ, तो यहाँ पर स्पाइडरमैन का अगर मैं टीयर थ्री की बात करूँ इस सूट के साथ, तो उसके टीयर थ्री के स्किल्स में क्या है, 20% डिक्रेस ऑल डिफेंस 3 सेकंड्स के लिए, स्टन इम्यूनिटी पैरालिसिस, उसके बाद में वेब, और ये जो भी इसमें इफेक्ट दिए हुए हैं सेम यही इफेक्ट कैप्टन मार्वल के स्किल्स में भी है। तो ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा टक्कर लेने वाले कैरेक्टर है। लेकिन कैप्टन मार्वल का जो 5 और 4 स्किल्स है वो क्या सामने वाले कैरेक्टर को धोके रख देता है, ये मैंने देखा है और मैंने फाइट भी किया है। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन का जो यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है पैरालिसिस और वेब, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा वेब इम्यूनिटी 5 सेकंड का हो, पैरालिसिस 3 सेकंड या 4 सेकंड, उसके बाद स्टन जो है वो जितना रहेगा उतना रहेगा, चाहे चलेगा या फिर कम ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन बाकी की जो चीज़ें जो इफेक्ट है वो भी और भी ज़्यादा डालना चाहिए। उसके बाद में सेल्फ जो है 15% इग्नोर डिफेंस 7 सेकंड्स के लिए, और 25% इंक्रीज ऑल अटैक। तो इसके टीयर थ्री की जो स्किल्स है इसमें 25% इंक्रीज ऑल अटैक 7 सेकंड्स के लिए, ये थोड़ा सा स्किल्स इसमें कोई डालने का सेंस नहीं बना, कुछ ना कुछ अलग स्किल्स में डालना चाहिए था, लेकिन टीयर थ्री के स्किल्स में ये स्किल दिया हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पे 60% चांस टू सुपर आर्मर बैरियर शील्ड ऑल डैमेज इम्यू, उसके बाद में इनविजिबल इफेक्ट 6 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके अंदर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, यानी नंबर थोड़े और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ने चाहिए। उसके बाद में डॉज रेट इंक्रीज बाय 50% 7 सेकंड्स के लिए,
तो इग्नोर टारगेट डॉज रेड बाय 40% 7 सेकंड्स के लिए, उसके बाद में फिजिकल अटैक और 73% फिजिकल डैमेज। तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें भी। और मैं इसको टीयर थ्री क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके अंदर ऐसा टीयर थ्री के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा मुझे पसंद नहीं आया, मतलब दम नहीं है। मतलब टाइम मेटल में मैंने काफ़ी लोगों के मैचेस देखा, मैंने काफ़ी वीडियो देखा, उसके अंदर ऐसा लग नहीं रहा था कि टीयर थ्री बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। जैसे डेडपुल का टीयर थ्री इतना ज़्यादा डैमेज करता है स्किल, बहुत ही ज़्यादा, उतना खतरनाक डैमेज नहीं है। मतलब वेब इम्यूनिटी आता है इधर उधर से, आई फ्रेम में जाता है स्पाइडरमैन, और बाकी कुछ है नहीं। बस वहाँ पे स्टन इम्यूनिटी है, पैरालिसिस और वेब है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो डैमेज है वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए तो अच्छा रहेगा। और जब भी टाइमलाइन बैटल में स्पाइडरमैन के अगेंस्ट में कोई भी कैरेक्टर हो, समझो उसके पास डेबफ है, यानी स्पाइडरमैन का जो वेब इम्यूनिटी वो उसके पे वर्क ही नहीं किया, तो टीयर जो स्किल है ये वर्क नहीं करेगा। अगर वो वेब में फंसेगा ही नहीं तो उसका डैमेज क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वेब में फंस जाए तो मारने में मज़ा आता है, अदरवाइज स्पाइडरमैन की छुट्टी करने में तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए मैं स्पाइडरमैन के जो टीयर थ्री स्किल्स है उसको एक्टिव नहीं करवाए, और किया भी नहीं मैंने। देखता हूँ एंड गेम के बाद देखूँगा क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर आता है फंटास्टिक फोर का लीडर, जिसका नाम है मिस्टर फंटास्टिक। तो इसका भी हम लोग टीयर थ्री का बोनस देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। इसके अंदर काफ़ी कुछ है देखने लायक और समझने लायक, देखने में और काफ़ी कूल लगता है। यहाँ पर टीयर थ्री के स्किल भी देखा मैंने, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्रेस ऑल स्पीड बाय 15 सेकंड के लिए, सॉरी 1 सेकंड के लिए, स्टन 4, उसके बाद में सेल्फ है, डॉज रेट हो गया, इग्नोर डिफेंस हो गया, उसके बाद में ऑल स्पीड 45 और ऑल स्पीड 5, क्रिटिकल रेट 4%, रिमूव इन कैप्सिजेशन, क्या क्या लिखा हुआ पता नहीं, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, 7 सेकंड्स के लिए, उसके बाद में रिमूव ऑल डेबफ। तो ये चीज़ अच्छी है वहाँ पर टीयर थ्री के स्किल्स में, रिमूव ऑल डेबफ 5 सेकंड्स के लिए रिमूव कर देगा। 5 सेकंड जैसे ख़त्म, वापस इसके ऊपर जो भी इफेक्ट होगा वो सब इस पर लग जाएगा, यानी जो भी बफ है वो इस पर काम करना शुरू हो जाएगा। 5 सेकंड ख़त्म होती है। उसके बाद में इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 80% 7 सेकंड्स के लिए, उसके बाद में 80% चांस टू पेट्रियल सुपर आर्मर बैरियर शील्ड, वही सब वाला वही है। उसके बाद में इनविजिबल इफेक्ट है 7 सेकंड्स के लिए। इसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। वो उम्मीद करता हूँ कि इसका नेक्स्ट कोई यूनिफॉर्म आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि सिल्वर सर्फर भी आ जाए और गैलेक्टस भी आ जाए GBR में, तो हमें GBR में और एक अलग रिवॉर्ड देखने को मिल जाए और एक अलग सिटी भी देखने को मिल जाए, हो सकता है, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर मैग्नेटो की। मैग्नेटो का यहाँ पर काफ़ी लोगों को मैंने मैग्नेटो को टीयर थ्री करते हुए देखा, लेकिन कुछ खास लोगों के पास, गिने चुने लोगों के पास ही है, कुछ ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पे सेम पैरालिसिस है 1 सेकंड के लिए। उसके बाद में यहाँ पर टीयर थ्री के स्किल में कुछ ज़्यादा बोनस नहीं दिया हुआ है, बाकी लोगों के काफ़ी अच्छा बोनस है। उसके बाद में ब्लिड डैमेज एवरी 1 सेकंड, रिमूव इलास्टिक सिटी, यानी जो फंटास्टिक फोर है उसका इलास्टिक सिटी जो है वो बंद हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, तो यहाँ पे वो है दिया हुआ है। उसके बाद में 3% का माइनस में है, डिक्रेस ऑल डिफेंस स्टक अप टू 80% 10 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में सेल्फ इनविजिबल है 7 सेकंड्स के लिए। तो ये थोड़ा सा इनविजिबल काम का है, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ इसके अंदर देखने लायक नहीं है, मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, स्पेशल या इफेक्ट कुछ है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद में बात करते हैं लूना स्नो की। लूना स्नो के पीछे लोग तो पागल है, लूना स्नो का जो टीयर थ्री है ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इफेक्ट है। मैंने GBR में लूना स्नो के साथ फाइट किया, मैंने मतलब लूना स्नो के साथ GBR में, तो वहाँ पे जब लूना स्नो ने अपना टीयर थ्री का स्किल इस्तेमाल किया तो वहाँ पे जो आइस इफेक्ट था, उस आइस इफेक्ट में मैं वहाँ पे जस्ट 2 या 3 सेकंड के लिए था, तो वहाँ पे जब मैं था तो मेरा जो कैरेक्टर है वहाँ पे वो रिकवर कर रहा था टीयर थ्री के स्किल्स की वजह से। तो यहाँ पर इसका जो टीयर थ्री का जो स्किल्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। बाकी उतना मायने नहीं रखता मेरे लिए बाकी लोगों का टीयर थ्री, लेकिन इसका मुझे खास लगा, मतलब अपने साथ साथ दूसरे को भी रिकवर करना, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे वहाँ पर। उसके बाद में सेल्फ है 80% चांस टू पेट्रियट, इसके पास भी सेम इफेक्ट है। उसके बाद में 7% रिकवरी ऑफ मैक्सिमम HP 1 सेकंड के लिए। उसके बाद में यहाँ पर बाकी की जो चीज़ें वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद 1% इंक्रीज ऑल अटैक 1% ईच, और यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेकंड्स के लिए कोल्ड डैमेज और एनर्जी अटैक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बहुत कम लोगों के पास ही लूनस में, ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, जो पेड कैरेक्टर है उनके पास ही है, बाकी किसी के पास ज़्यादा नहीं है। और बात करता हूँ RMN के टीयर थ्री की। काफ़ी लोगों ने
ऐसा समझ लो कि जल्दबाजी में आयरन मैन का टीयर थ्री कर दिया है, ज़बरदस्ती में बोलो कि जल्दबाजी में। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि एंड गेम के बाद में टीयर थ्री करूँगा, अगर अच्छा इफेक्ट अच्छे सूट के साथ आ जाए तो मैं देखूँगा, अदरवाइज़ मैं आयरन मैन को टीयर थ्री नहीं करूँगा, क्योंकि उसका इफेक्ट देखो इतना कोई ज़बरदस्त नहीं है। मतलब बाकी लोगों को देखो मतलब कितना ज़्यादा डैमेज करने वाला लगता है, और यहाँ पे आयरन मैन का जो है नॉर्मल जो उसकी ये है, मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। जब टीयर थ्री का स्किल यूज़ होता है तो वहाँ पर आयरन मैन जो है अपने बाकी के सूट्स को बुलाता है, और बुलाने के बाद वही अटैक करता है जो वो खुद करता है। तो ऐसे में ये मुझे कुछ दम नहीं लगा, मतलब जो स्किल नंबर 5 में है जैसे एनर्जी अटैक ब्लास्ट करता है, जैसे ब्लैक कूल ऑफसेट में मूवी में किया था एकदम सीधा अटैक, उस तरीके का अगर अटैक होता तो मज़ा आ जाता टीयर थ्री के स्किल्स में बाकी यूनिफॉर्म के साथ, तो मज़ा कुछ आता है। लेकिन वो आते हैं नॉर्मल तरीके से जैसे अल्ट्रॉन का आता है, सेम वैसे ही सेम अटैक करते हैं, तो उसमें कोई दम नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैं टीयर थ्री नहीं करने वाला आयरन मैन को, अगर एंड गेम के बाद अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, रिकवरी आ जाए, या फिर हीट चेन आ जाए, या फिर कुछ और आ जाए ऐसा धमाकेदार, तो फिर मैं कुछ सोचूंगा इसके बारे में, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे 20% इंक्रीज ऑल डिफेंस, उसके बाद स्टैमिना इम्यूनिटी है, सेल्फ है, सुमन कैरेक्टर्स वहाँ पे अपने क्लोन इंक्रीज करेगा, इनविजिबल है 5 सेकंड्स के लिए, 15% इग्नोर डिफेंस है 5 सेकंड्स के लिए, उसके बाद में आर्मर बैरियर ऑल इम्यूनिटी, उसके बाद में इनविजिबल इफेक्ट है 3 सेकंड्स के लिए। तो इसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, और इसके अंदर जो इफेक्ट है इग्नोर टारगेट या डॉज रेट जो भी है वो बढ़ना चाहिए, उसके बाद में और चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड और ऐड होनी चाहिए, तो जाके कुछ मज़ा आएगा आयरन मैन का टीयर थ्री का, और इफेक्ट जो है वो अलग होना चाहिए, मतलब बोर हो चुका हूँ देख देख के। उसके बाद मैं बात करता हूँ डेडपुल के टीयर थ्री की। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि डेडपुल के टीयर थ्री करने के बाद टाइमलाइन मेटल में तो मतलब हाहाकार कर दिया है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो टीयर थ्री में है सिर्फ एक दो ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके पास। 3% डिक्रीज ऑल डिफेंस 100% 10 सेकंड्स के लिए, उसके बाद में सेल्फ इंक्रीज डैमेज 50% फॉर 1 सेकंड्स के लिए 7 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत देता है टाइम लेवल में। 80% चांस टू सुपर आर्मर बैरियर शील्ड ऑल इम्यू डैमेज, उसके बाद में इनविजिबल है 6 सेकंड्स के लिए। तो ये चीज़ टाइम लेवल में खतरनाक है, और GBR में भी और बाकी जगह यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी खतरनाक है। थोड़ा सा इसके अंदर और इंप्रूवमेंट हो जाए यूनिफॉर्म के साथ, या नेक्स्ट अपडेट में जो भी डेडपुल का यूनिफॉर्म आया कुछ भी आए, तो इसका टीयर थ्री का जो स्किल्स है इसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए न्यू यूनिफॉर्म के साथ, एक्सपेक्ट करता हूँ। शेरोंग का सभी लोग जानते हैं कि शेरोंग किस तरीके की डैमेज करती है टीयर थ्री के स्किल्स के साथ। तो यहाँ पे शेरोंग के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्किल्स दिया हुआ है, इफेक्ट डैमेज बहुत ही बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इसका HP के मामले में, या फिर बोल सकते हो कि सर्वाइबिलिटी के मामले में, ये सूट ने थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दी, अदरवाइज ऑलराउंडर बहुत बढ़िया है। 100% चांस टू इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज, उसके बाद में डिक्रेस डैमेज रिसीव 50%, उसके बाद में क्रिटिकल डैमेज इंक्रेस 50%, और बाकी का यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया है, GBR में बोलो, अनलेस बैटल एक्सट्रीम मोड में बोलो, कि वर्ल्ड बॉस के अल्टीमेट स्टेजेस में बोलो, ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाली कैरेक्टर है, काफ़ी अच्छी डैमेज देने वाली कैरेक्टर है, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। उसका टीयर थ्री स्किल्स भी काफ़ी अच्छा है। बात करें उसके परफॉर्मेंस की भी, तो अगर उसका टीयर थ्री का स्किल्स यूज़ करे तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी अटैक मिलता है, उसके बाद में जो सर्कल आता है रेड कलर का लगातार गोल्ड राउंड होने वाला, वो काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया लगता है देखने में। उसके बाद में जैसे ही वो राउंड जो है सर्कल जो है, या बोल सकते हैं आप लोग किसी तरह का एनर्जी बॉल, वो ख़त्म होती है, वहाँ पर एक शील्ड आता है हल्की सी रेड कलर की लाइट इफेक्ट में, तो वो थोड़ी देर के लिए रहती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मतलब लगता है कि अलग ही तरह की कैरेक्टर, अलग ही लेवल की। तो इस तरह की लेवल का कैरेक्टर अगर आयरन मैन को बना दिया जाए, या इसी तरीके का सेम स्किल्स आयरन मैन के टीयर थ्री में एंड गेम में देखने को मिल जाए, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सीरियसली
मतलब दोनों की आपस में टक्कर और कंपैरिजन करने में बहुत ही मज़ा आएगा। मैं तो शेरान से भी पुराने हिसाब कुछ बराबर करना है तो वो बराबर करने का चांस मुझे मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। उसके बाद में आगे वहाँ पर बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म की। तो यहाँ पर कहाँ गया? तो ये यूनिफॉर्म की बात करते हैं जो इन्फिनिटी वॉर का है। उसके बाद में एंड गेम में क्या आएगा कि नहीं आएगा वो तो देखा जाएगा जब भी तब अप्रैल की बातें हो। तो उसके लिए अभी टाइम है। तो जितना हो सके उतना क्रिस्टल मटेरियल सेव करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो अब टीयर थ्री की स्किल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके स्किल्स में इतना ज़बरदस्त इफेक्ट दिए हुए हैं, इसके काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ दिया हुआ है। ये जो चीज़ है ये बहुत बढ़िया है। इसका टीयर थ्री स्किल देखने के बाद ना काफ़ी लोगों को लगा था, मतलब हमने तो टीयर थ्री जो मटेरियल है वो काफ़ी वेस्ट कर दिया। तो जब ये आया टीयर थ्री लेके, तो काफ़ी लोगों ने इसको फटाफट जितना हो सके जितने से जल्दी CCF कलेक्ट करके टीयर थ्री किया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है। स्टन इम्यूनिटी दिया हुआ है 3 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पर 20% डिक्रेस ऑल डिफेंस 3 सेकंड्स के लिए, मूवमेंट स्पीड डाउन डिक्रेस 24% 10 सेकंड्स के लिए, और सेल्फ 15% इग्नोर डिफेंस 50% इंक्रीज ऑल अटैक 20 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में 80% चांस टू पेट्रियट सुपर आर्मर बैरियर, बाकी का सब दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेकंड्स के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए नेक्स्ट अब जब अपडेट आएगा तब, सूट वगैरह जो भी आएगा तब, और थोड़ा परसेंटेज नंबर जो है बढ़ना चाहिए। इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 100% 3 सेकंड्स के लिए। और उसके बाद 100% चांस टू इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज 3 सेकंड्स के लिए। इसके अंदर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए नेक्स्ट अपडेट में या फिर जब भी आए तब आएगा तब। उसके बाद में यहाँ पर बाकी का जो चीज़ है वो आप पढ़ सकते हो। ट्रू डैमेज यहाँ पर दिया हुआ है, कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ मैक्सिमम HP 10 सेकंड्स के लिए। रिमूव ऑल बफ, जो डेबफ है वो 3 सेकंड्स के लिए बफ़ कर देगा। तो ये 3 सेकंड से थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ना चाहिए नंबर, तो मज़ा आ जाएगा, यानी परसेंटेज जो है ज़्यादा बढ़ना चाहिए। उसके बाद में इंक्रस 15% ईच वन डैमेज टेकन 10 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी बात है, इंक्रस अटैक बाय 15%, काफ़ी अच्छा लगा। टैपिंग द होल्डिंग द स्किल आइकॉन विल चार्ज द स्किल रिलीजिंग विल कॉमेंस द अटैक मूव द वी पैड विल यूजिंग द स्किल्स। वी पैड से भी इसका जो स्किल्स है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग मूव करना चाहते हैं उस तरह मूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसको होल्ड करके रखना पड़ता है टीयर थ्री के स्किल्स को। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोगों के पास इस टीयर थ्री के स्किल्स प्रॉक्सिमेट मिडनाइट के अगेंस्ट में और ABX में और GBR में काफ़ी जगह जगह पे इन कैरेक्टर्स ने प्लेयर्स ने काफ़ी जगह यूज़ किया हुआ है। तो कैप्टन का टीयर थ्री जो है बहुत ही बढ़िया है। किसी को होप और एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ब्लैक पैंथर का टीयर थ्री आएगा। मुझे भी ज़ोरदार झटका लगा जब मैंने देखा कि ब्लैक पैंथर का टीयर थ्री आया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं टीयर थ्री, काफ़ी लोगों को जब अपडेट आया था टीयर थ्री का यानी ब्लैक पैंथर के साथ, तब वहाँ पे काफ़ी लोगों को लगा कि इसका भी दम नहीं होगा। लेकिन जब जिन जिन कैरेक्टर ने टीयर थ्री करके दिखाया और जो जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, काफ़ी लोग इंप्रेस हुए। मैं भी उनमें था, मैं भी इंप्रेस हो गया। मैं बोला काफ़ी अच्छा टीयर थ्री दिया हुआ है। और काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा एक दो प्लेयर्स के पास CTP ऑफ रिकवरी यानी पेटेंस जो है वो दिया हुआ है ब्लैक पैंथर को। तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर जो है इसका टीयर थ्री की स्किल्स की बात करते हैं, जो इफेक्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बोनस की पैरालिसिस 5 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में डील 45% ब्लीड डैमेज 1 सेकंड्स के लिए। रिमूव इलास्टिसिटी 10 सेकंड्स के लिए। तो जो फंटास्टिक फोर है मिस्टर फंटास्टिक, उसकी बैंड बजाने के लिए ये स्किल्स काफ़ी है। लेकिन टीयर थ्री की स्किल्स जो है सभी स्किल्स यूज़ करने के बाद आता है, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। यानी बाकी स्किल्स की तरह उसके नॉर्मल यूज़ नहीं है, उसे एक्टिव करने के लिए बाकी स्किल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिक्रेस ऑल स्पीड है 20% 2 सेकंड्स के लिए, इसका थोड़ा परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। स्टन इम्यूनिटी 3 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में सेल्फ है इग्नोर 15% इग्नोर डिफेंस है। उसके बाद में ऑल स्पीड ऑल अटैक और क्रिटिकल रेट 5%। रिमूव वहाँ पर दिया हुआ है 7 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 100% 5 सेकंड्स के लिए। 80% चांस टू पढ़ लो आगे का, ये दिया हुआ है 7 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में 240% फिजिकल अटैक और 48% फिजिकल डैमेज। तो ये इसका टीयर थ्री का स्किल्स है। काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, वो तो बात की बात है। लेकिन जब इसका टीयर थ्री का और एक अपग्रेड देखने को मिलेगा तब देखते क्या करता है। फिलहाल तो मैं इसे टीयर थ्री करने वाला नहीं हूँ।
इन्फिनिटी वॉर के बाद जो एक कैरेक्टर निकल के आया, सॉरी सॉरी इन्फिनिटी वॉर के बाद जब एंटमैन की मूवी निकली तब उसके साथ आया गेम में टीयर थ्री। तो यहाँ पे मैंने होप और एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि मतलब एंटमैन का इतना जल्दी टीयर थ्री आएगा, मतलब ऐसा समझ लो कि बस ध्यान भटकाने के लिए टीयर थ्री दे दिया गया इसका मजाक बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसका टीयर थ्री के जो स्किल्स है वो सब लोग हम लोग बात करेंगे, और बाकी जितने भी मैंने कैरेक्टर देखा जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास इतने सारे सीसीएफ या मटेरियल नहीं है कि वो एंटमैन को टीयर थ्री कर सके, और मुझे नहीं लगता कि इसका टीयर थ्री करना चाहिए। मेरे ख्याल से एंड गेम का वेट करते हैं, हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो एंड गेम में है वो एंड गेम में एंटमैन ही होने वाला है थानोस को हराने वाली चाबी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं डिक्रेस ऑल स्पीड 30% 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद में 15% डिक्रेस ऑल डिफेंस 30% 5 सेकंड्स के लिए, उसके बाद में सेल्फ इनविजिबल 10 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे 10 सेकंड के लिए इनविजिबल होने वाला, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनविजिबल एंटमैन के पास है, लेकिन किस कीमत पर। इसका डैमेज जो है वो काफ़ी 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 ज़्यादा लो है, मुझे इसका डैमेज इंप्रूव चाहिए, और बाकी के जो इसका सुपर आर्मर बैरियर वो सबको नॉर्मल तरीके से दिया हुआ है, 60% इसका 80% इसका 100% है। तो बहुत अलग अलग तरह के इफेक्ट है। इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 80% 10 सेकंड्स के लिए। तो इसका जो टीयर थ्री है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, कुछ ज़्यादा खास इसमें स्पेशल या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एंटमैन को टीयर थ्री करना चाहिए, एंड गेम के बाद देखेंगे। और हाल ही में आए हुए कैप्टन मार्वल के अपडेट के में आया हुआ टीयर थ्री स्किल्स जो यूनिफॉर्म के साथ काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए इसके बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है तरह तरह के इफेक्ट, और उसका देखते हैं यहाँ पर क्या निकल जाता है। मुझे सुना है कि कई सारे प्लेयर जो है इस टीयर थ्री के स्किल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन बैटल एक्सट्रीम मोड में बोलो या अलग अलग जगह पे टाइमलाइन बैटल में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में एक मैंने वीडियो देखा था टॉकविंग का, लेकिन मैंने प्ले नहीं किया उसको, सिर्फ नोटिफिकेशन देखा था। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि उसके बारे में डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे फियर इफेक्ट है, 4 सेकंड साइलेंस है, 4 सेकंड साइलेंस सबसे बड़ा खतरनाक स्किल्स है, वो इसलिए कि सामने जो ओपोनेंट है उसकी जो स्किल्स है जो अटैक्स है जो स्पेशल पावर्स है वो सब कुछ साइलेंस कर देती है, यानी एक्टिवेट करने का यानी अटैक करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे साइलेंस जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो वास्क के पास है, उसके बाद में स्कैलरी विजय उसके बाद भी ये स्किल्स देखने को मिलता है। इफेक्ट जो है साइलेंस कर का ये बहुत ही खतरनाक है, यानी सामने वाले अपोनेंट को टोटली साइलेंस, यानी कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। तो यूज़ नहीं कर सकता तो सामने वाले अपोनेंट को मारना हराना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में ये साइलेंस बहुत खतरनाक है 4 सेकंड के लिए। उसके बाद में फ्रैक्चर नाम का इफेक्ट जो आया लेकर आया वो था केबल का क्लोन स्ट्राइफ। तो उसके पास ये फ्रैक्चर जब से आया है तब से हर किसी की बैंड बजा के रखी है उसने, मेरी मुझे भी नहीं छोड़ा, मतलब मेरी भी बैंड बजा के रख दी। तो जब भी टाइमलाइन बैटल में स्ट्राइफ आता है तो मैं पतली गली से निकल लेता हूँ, मैं बिल्कुल भी उससे पंगा नहीं लेता हूँ, चाहे वो उसके पास वेव इम्यूनिटी हो या ना हो मैं बिल्कुल भी पंगा नहीं लेता। हाँ, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही ना हो तो फिर मैं फ़ाइट करनी पड़ती है, और जीत गया, हार गया तो हार गया। तो यहाँ पर स्टन इम्यूनिटी है 4 सेकंड के लिए, उसके बाद में 15% इग्नोर डिफेंस 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद में 80% चांस टू बैरियर वगैरह नॉर्मल वही दिया हुआ है। इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 100% 3 सेकंड्स के लिए, और एनर्जी डैमेज और एनर्जी अटैक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो टीयर थ्री स्किल्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और एंटमैन की बात करें तो वहाँ पे एंटमैन एक बड़ा तो हो जाता है, उसके बाद में वो कार तोड़ फोड़ जमीन तोड़ फोड़ करते रहता है, तो वो भी उतना कुछ खास लगता नहीं है मुझे। ब्लैक पैंथर का भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, या मूवी में जिस तरीके से दिखाया था या फिर मूवी में नहीं दिखाया तो गेम में डाल दिया, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते थे ब्लैक पैंथर के अंदर। कैप्टन का काफ़ी अच्छा लगा, कैप्टन झुककर अटैक करता है तो मूवमेंट करता है, उसके बाद में जो अटैक करता है तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में शेरों को तो बहुत ही ऑसम लगा, मतलब खुद का एक शील्ड बना ले क्रिएट कर देता है स्किल होने के बाद, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में डेडपुल का तो कमाल ही है, मतलब हेलीकॉप्टर के धंधे चढ़ गया, उसके बाद में जो डैमेज करता है तो कोई हद नहीं। उसके बाद में आयरन मैन का वहाँ पे थोड़ा सा नाराज करता है कहीं ना कहीं, मतलब डैमेज कम है, उसके बाद में जो उसके रोबोट्स आते हैं जो बाकी सूट्स आते हैं वो भी कुछ मुझे खास दम नहीं लगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट चाहिए था। मतलब सारे के सारे आ रहे हैं तो उनके जो स्किल्स है वो सारे के सारे जैसे स्किल्स यूज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने आयरन मैन का 5th स्किल्स ओपन कर दिया या यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी जो उसके क्लोन्स है जो बाकी उसने सूट्स बुलाए हैं वो भी साथ में साथ उसके साथ ही
वही स्किल्स यूज़ करेंगे तो मज़ा कुछ और होता, लेकिन वो भी थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़ करने वाली बात है। अब देखते हैं एंड गेम में मार्क 85 क्या करता है। लूना स्नो काफ़ी अच्छा है, मैं इसके स्किल्स के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा है, प्लेयर्स बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी स्किल्स है टीयर 3। उसके बाद में मैग्नेटो को उतना कुछ खास दम नहीं है, बहुत ही गिने चुने कैरेक्टर के पास है। और फैंटास्टिक फोर का यहाँ पर ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, जितना भी है जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ठीक ठाक है। उसके बाद में स्पाइडरमैन का मुझे कुछ खास दम नहीं लगा, इफेक्ट थोड़ा और ज़्यादा सेकंड्स का रहता तो मज़ा आ गया रहता, कुछ और इसका और डैमेज होता जैसे डेडपूल का जैसे डैमेज है, उस तरह का अगर डैमेज स्पाइडरमैन का भी होता तो कुछ मज़ा आता। उसके बाद में थॉर का तो सब लोग जानती है, दिखने में समझदार है, इलेक्ट्रिक डैमेज है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमज़ोर पना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आज भी थॉर का जो टीयर थ्री का जो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, यानी जितना वो डैमेज करना चाहिए जैसा वो दिखता है, जैसा उसने इन्फिनिटी वॉर के वकांडा में जो शॉक डैमेज दिया था उस तरह का ये इलेक्ट्रिक अटैक वहाँ नहीं कर रहा था, ये भी वहाँ पर दिखता है। अब देखते हैं एंड गेम में जब थैनोस के अगेंस्ट में जब ये लड़ेगा तब इसका क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में कौन टीयर 3 लेकर आएगा कुछ बता नहीं सकते, तो देखते हैं जब आएगा तब आएगा देखेंगे। तो प्लीज़ लेंगे इसका मैं, थैंक यू। एक चीज़ बताने ही भूल गया, किसका करना चाहिए टीयर 3, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा एंड गेम के बाद ही बोलूँगा, क्योंकि एंड गेम तक मैं वेट करने वाला हूँ, जितना भी हो सके मैं उतना मटेरियल सेव कर रहा हूँ कैरेक्टर को टीयर 3 करने के लिए। मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट किसका लगा, शेरोंग का लगा, कैप्टन का लगा और थॉर का लगा, बस बाकी किसी का भी मुझे टीयर 3 इतना कुछ खास लगा नहीं, दम नहीं है बाकी किसी कैरेक्टर में। और थोड़ा डैमेज और इफेक्ट जो है यूज़ करने का जो तरीका है, जो उसका स्किल्स है वो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाता तो मैं शायद कर लेता टीयर 3, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं किसी भी कैरेक्टर को टीयर 3 करने के मूड में नहीं हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।